अपनी पहली फिल्म से ये लड़का इतना छा गया है प्यार का मंचनामा से, अभी ये लड़कियों के दिलों में राज करता है। कार्तिक बहुत बहुत बधाई आपको आपकी सक्सेस के लिए, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए। अच्छा, गेस्ट इन लंदन में परेश सर इनके गेस्ट बन के जाते हैं, ये बड़े परेशान होते हैं उनसे, कहीं दूर दराड़े के चाचा मामा के पता नहीं क्या बन के चले जाते हैं, वो भी लंदन इंटरनेशनल गेस्ट। वैसे तो आप इनसे बड़े परेशान हैं फिल्म में, पर परेश सर जैसे अदाकार के सामने आप अगर खड़े हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो आदमी वैसे ही कांपने लगता है। आपको डर नहीं लगा था जब पहली बार शॉट देना था आपको परेश सर के साथ? जी थोड़ा सा तो मतलब नर्वस था, फर्स्ट टाइम ऐसे वेटरन एक्टर इनके साथ काम कर रहा था। एंड आई थिंक हमारा जो शॉट था वो पहला शॉट बड़ा डिफिकल्ट शॉट था, क्योंकि उसमें इनको एक कार में मैं इनके साथ हूँ, मैं बैठा हूँ और तन्वी जी भी हैं, ये अचानक से पात देते हैं, मतलब अचानक ही होता है, उसके कोई नोटिस तो देता नहीं है एक महीने पहले तो वो उसकी नोटिस आते नहीं और सामने वाला रिसीट भी देता नहीं। वो हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन था, उसमें आइस ब्रेक हो गई हम दोनों के बीच। अच्छा। तो वैसा मोमेंट। लेकिन उसमें आइस कैसे ब्रेक होता है? वो कुछ तो ब्रेक हुआ हुआ लगा। पाजी हमारे साथ परेश सर हैं, कार्तिक हैं, ये दोनों मंच पे हैं, लेकिन अपनी अपनी ऑन स्क्रीन बेटर हाफ के बिना थोड़ा थोड़ा अधूरा लग रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म की बेहतरीन फीमेल कास्ट, वेरी टैलेंटेड तन्वी आजमी जी और वेरी ब्यूटीफुल कृति खरबंदा। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है आपके? कृति आपको पंजाबी कैसे आती है? क्योंकि मैं पंजाबन हूँ। खरबंदा क्या होता है? हाँ, खरबंदा पंजाबी होते हैं। बड़ा मजा आएगा आज तो। तन्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, कृति बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां। कार्तिक की जो पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, इन्होंने ना लड़कियों के बारे में बड़ा ज्ञान बांटा। अच्छा, ये ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी कि बहुत ज्यादा धोखे खाए आपने? बहुत सारे धोखे खाए। अच्छा, ऐसे जॉ लाइन में लड़के ना धोखे खाते, रोटी तो खाते नहीं। अच्छा, वो मोनोलॉग इतना अच्छा था ना, अभी भी आपको याद है कार्तिक? हाँ, मतलब थोड़ा तो याद है। हो जाए थोड़ा सा कुछ जी। तो प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इज इन दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। मैं बता रहा हूँ, इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता। हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना तब तक। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है? अभी और है, टोटल 75 मिनट का था ये। ये एक्टर है कि बुलेट ट्रेन है? बुलेट ट्रेन ही है। तन्वी जी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको, मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, लेकिन आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, इतना काम देखा है, बहुत कमाल की अदाकार है आप। बहुत बहुत थैंक यू, स्वागत है आपका। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके शो पे आई हूँ। इससे पहले कि आप मुझे पूछे, मैं ही ऑनर मैम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन कपिल शर्मा के शो पे। तन्वी जी आप इतनी खूबसूरत हैं। शुक्रिया, थैंक यू। आप डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाती हैं, कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं ऐसा कोई किरदार निभाऊं कि जैसे रोमांटिक हीरो हीरोइन वाला और ये सब? तुझे देखा तो ये टिंग टिंग टिंग, ऐसा कुछ ख्वाब में देखती हूँ। नहीं, पर आपने अभी फिल्मों में कभी ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया ना? अभी तक नहीं। हालांकि परेश सर ने भी फिल्मों में कोई रोमांस नहीं किया, किया है जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जब विलन बना है ना। परेश सर सामने से स्क्रिप्ट में कभी नहीं आया कि परेश सर आप ऐसे आएंगे, ऐसे हीरोइन आएगी, ऐसा मौका मिला नहीं है। वही तो देने जा रहे हैं, दे रहे हो मौका। क्या आप सोच के आते हैं कि सबको फंसाएंगे इस तरह? परेश भाई अंदर से तो खुशी है। तो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए मैम प्लीज। हाँ, फिल्म में तो हम वही देखेंगे जो फिल्म की स्टोरी है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट। ये रिस्क आप लोगों ने उठाया था। हरी कृति जो है इंडिया की मोस्ट डिजायरेबल विमेन है, जोरदार तालियां। और इंडिया की वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल है, जोरदार तालियां। सो प्राउड ऑफ यू। लगा था कि आपको ऐसा लगेगा, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी सिर्फ आपके। मैं समझ गया। अच्छा, आप मोस्ट डिजायरेबल गर्ल हैं, मोस्ट हॉटेस्ट गर्ल हैं,
मोस्ट डिजायरेबल मैन में आपको क्या लगता है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? उसकी आंखें आपकी जैसी होनी चाहिए। मेरी तो खुलती नहीं है। तभी तो। अच्छा, आपको ऐसी आंखें चाहिए जो खुलती हाँ, ना हाँ। अच्छा, और अच्छा मुझे एक एक बात पूछनी है, जैसे लड़कियों को हॉट बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है, किसी आदमी को बोलता है तू बड़ा गर्म रहता है तो पंडित उसको बोलता है चांदी में मोती पहना कर। ऐसा होता है? बहुत अच्छे। पर मुझे यही जानना है कि हॉट लड़के की डेफिनेशन क्या होती है। कार्तिक आर्यन। अरे बाप। चलो वो तो आप दोनों हीरो हीरोइन हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना बनता है, पर जनरली क्वालिटीज कार्तिक बहुत हैंडसम है, पूरा चॉकलेट है पूरी। क्या खाती हैं आप, कैसे इतना चेहरे पे ग्लो कैसे है? मतलब मम्मा ने खूब घी मक्खन खिलाया मुझे। तो लगा क्यों नहीं? जिम जाती हूं। अच्छा। हाँ। कार्तिक आपकी नजर में हॉट लड़की की डेफिनेशन क्या है? मतलब हॉट मतलब वही गर्म होता है, आई मीन ये क्या मतलब थर्मामीटर लगा के चेक करेगी ये लड़की हॉट है, ऐसे कैसे? मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आती, मैं इसलिए पूछ लेना चाहिए। नहीं जैसा आप बोल रहे थे घी खाई हुई मलाई खट्टी खट्टी थोड़ी। मैं कार्तिक से पहली बार मिल रहा हूँ, इतना क्यूट लगता था, मुझे नहीं पता इतना चालू है। इतना शरारती है ये, दोनों बड़े शरारती हैं। अब दोनों की, आपकी दोनों की साथ में पहली फिल्म है ना ये? जी। तो आपकी दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है फिल्म में, जाहिर सी बात है बहुत ही कमाल का काम किया होगा। नमस्कार परेश जी, तन्वीर जी, कार्तिक जी, कृति जी, मायसेल्फ बच्चा यादव द डूड। ऐसा ऐसा हमारे दोस्त ना हमारे सर्कल में कहते हैं, यू आर द डूड। पता नहीं क्या है यार, हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी अच्छा जाते। वैसे कार्तिक जी आपको पता है, ये जो अपने सिंगल मंचले टाइप के लड़के होते हैं ना, उनका मसीहा ये लड़का। ऐसा ही बता रहे हो, ओहो ये सर बोलना शुरू करते ना ऐसा धनाधन बोलते जाते, रुकता नहीं आदमी यार। और उसमें हमारा फेवरेट बताएं कौन सा है? तन्वीर जी, परेश जी, ये वाला ना, वो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड जो होती है ना वो कहती है कि पर्दे लेने पर्दे लेने, फिर शॉपिंग मॉल में जाती है कुशन कवर लेके आ जाती है और दो हफ्ते बाद तक कहती रहती है पर्दे लेने पर्दे लेने। लेकिन सर ये ट्रू है। वैसे परेश जी आपका आशीर्वाद लेना चाहें? नहीं नहीं, वो परेश जी वो वाला आशीर्वाद मत मत दीजिएगा जो ये फिल्म में बताया है इन्होंने कि बुजुर्गों की पांच बच्चों के लिए आशीर्वाद होती है, ये वाला आशीर्वाद हम खुद को ही काफी दे लेते हैं, नॉर्मल वाला ही दे दीजिए। कृति जी, जी ये आप ये फिल्म में लंदन में रहती है ना? हाँ जी। लंदन मतलब अपना वही ना जहाँ पे विंबलडन ऐसा सब खेलते हैं, हम गए थे, हमने देखा था। तू कब गया था लंदन? नहीं नहीं, हम पुत्तन के घर गए थे, वहां देखा था, उसके टीवी पे सब आ जाता है। तो सबके टीवी पे सब आता है। हाँ लेकिन हम सबके घर तो नहीं जा सकते ना यार, इसके लिए पुत्तन के घर। अजीब आदमी है यार, तू कब बीच बीच में टोकता रहता है यार, इज अ सिली मैन यार। वैसे तन्वी जी, आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहते हैं, हमें कोई संदेह नहीं है। किस बात का? अरे बाजीराव जी की मम्मी है यार ये, पहचानो जरा। हाँ। इनके बेटे ने कहा था कि बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। हाँ। थोड़ा सा कभी कभी मंडे हो जाता है पर संडे बिल्कुल। ए, जरा जॉक्स के लिए बात बोल दे, क्या माहौल बनता है। तो यहाँ क्या करना है बच्चा तू? देखिए यहाँ पे आज परेश जी भी है, सिद्धू जी भी है। हाँ। हमने सोच लिया कि हम भी अपनी एक पार्टी बनाएंगे। अबे तुझे पता भी पार्टी के क्या क्या होता है? पार्टी में, पार्टी में एकदम शुरुआत में होता है स्टार्टर, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम के बाद मेन कोर्स आता है, डेजर्ट आता है, उसके बाद यार नाच गाना म्यूजिक डीजे सब होता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये सब होता रहता है। और हमने सोचा है कि अपनी पार्टी में हम किसे लेंगे? मेन हमारी पार्टी में होगा योयो हनी सिंह, दूसरा होगा बादशाह, तीसरा वो लॉन्च गुरु होगा अपना, वो जो कोई भी हीरो का बच्चा 18-20 साल का होता है लॉन्च करता है, करण जौहर। ये लोग रहेंगे तो पार्टी पूरा एकदम रॉकिंग हो जाएगा। बच्चा तू मिनिस्टर बन भी गया तो करेगा क्या तू? ऐसे किसी शो के ऐसे कुर्सी पर बैठेंगे यार। ऐसा मजा सोफे पे बैठेंगे, पीछे खूबसूरत लड़कियों को बैठाएंगे, सामने खूबसूरत एक्ट्रेसेस आएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, मजाक करेंगे यार, माहौल बनेगा। पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है पॉलिटिशियन को? तो हमें पता है मेहनत होता है, हम भी सीख रहे हैं। ये देख ले, हम शेरो शायरी का बुक भी लेकर आए हैं, देखिए देखिए ठोको शेर, हम सीख रहे हैं।
एक शेर तो हमने लर्न भी कर लिया है। तो ठोको ठोको अर्ज किया है। ठोको कोई आवत है कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। अरे इसका कोई बुरा ना माने, ये थोड़ा सा पागल है। आदमी तो काम का भड़कावत है। अच्छा चल भाग यहाँ से। ये लीजिए हमको भगावत है। बताऊँ तुझे? ओहो अब हमको डरावत है। इससे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ये तो कहावत है। अबे तू मुझे इंटरव्यू लेने देगा? ये आदमी कितना पकावत है। तुझे बात नहीं समझ में आ रही मेरी? अच्छा अब हमको सिखावत है। अच्छा अब हम तुमका बाहर का रास्ता दिखावत है। ए लीजिए अब तो कॉपी कर रहे हैं, देखिए सीधा सीधा कॉपी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए ना अच्छा भाषण भी देना आना चाहिए, अच्छे इंसान होना चाहिए, ताकि आपके भाषण से लोगों की विचारधारा बदले। अरे सर हम तो ऐसा कमाल का बोलते हैं सर, लोगों की विचारधारा छोड़िए लोग अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसा क्या बोलता है तू? हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। लीजिए 2 के लोग 4 पे, 4 के लोग 2 पे, इधर से उधर सब चेंज, ऐसा इंस्टेंट अपना सामान उठा उठा के भाग रहे सब। लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए। अरे तो वो तो हम ऐसे कर लेते हैं। कैसे? कैसे हम क्या करते हैं सर, हम अपने आप को कुएं में गिरा देते हैं, फिर अंदर से चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, आते भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जैसे ही वो लोग आ जाते हैं हम अंदर से अपना भाषण शुरू कर देते हैं, और तब तक अपना भाषण देते रहते हैं जब तक रस्सी से खींच के आदमी हमें बाहर ना निकाल ले। लेकिन एक बार एक प्रॉब्लम हो गया था सर। क्या? वो आदमी ने हमको ऑलमोस्ट ऐसा बाहर निकाल लिया, तब हम बोले बच्चा यादव, वो बोला जिंदाबाद, हाथ छोड़ दिया यार। जिंदाबाद के चक्कर में मुर्दाबाद होते होते रह गए यार। अच्छा तू इलेक्शन में खड़ा हो गया तो तुझे वोट कौन देगा? सर इतने रिस्पेक्टेड लोग आए ये देंगे ना हमें वोट? पर ये तुम्हें अपना वोट क्यों देंगे? सर देखिए आपको नहीं देना है, किसी से मांग के दे दीजिए, हमको सेकंड हैंड भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वादा करते हैं एक बार इलेक्शन जीत गए ना आपका वोट सूट समेत वापस देंगे हम। अबे तेरी अपनी फैमिली ना उनसे मांग जाके, चाचा का वोट मांग किसी और का मांग ले। नहीं नहीं सर हमें पूरा यकीन है कि हमारे चाचा हमारा साथ हरगिज नहीं देंगे। क्यों? क्या है कि उनके साथ हमारा चारपाई हो गया था। चारपाई नहीं हाथापाई। तो हाथापाई के बाद आदमी चारपाई पे होता है यार, थोड़ा आगे का स्टेज बता दिया, सुन लो यार क्या जाता है। उनके साथ तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे उनके साथ थोड़ा यार वो जमीन का विवाद हो गया। बहुत ज्यादा जमीन है तुम लोगों के पास। नहीं नहीं चारपाई एक है ना, तो विवाद था कि जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, ये विवाद चल रहा था। इट्स अ लिटिल प्रॉब्लम यार। अच्छा मेहमान आए हमारे, जॉक्स तो सुना अपना। यू वांट अ जॉक्स? जॉक्स जॉक्स लीजिए सर, आपको बताते हैं क्या है हमारा ना एक जॉक्स का पिटारा है, हम रेडी रहते हैं हमेशा, तो पेश करें सर एक। हाँ जरूर पेश करते हैं। बहुत सारे बादाम खाने से क्या होता है? क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। बहुत ज्यादा माहौल बनता है सर, ऐसा हो जाता है, कॉमेडी फैलता है पूरा। लीजिए हमको एक और बात बताइए, एक और पेश करते हैं। व्हाट ए डिफरेंस बिटवीन फ्लाई एंड मस्कीटो? क्या क्या फर्क है? अ मस्कीटो कैन फ्लाई बट अ फ्लाई कैन नॉट मस्कीटो। तो चलते सर, माहौल बन गया है, मजा आया आप लोगों से मिलके, थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर डूड, शुक्रिया शुक्रिया, मिलते हैं फिर, चलो बाय। अजी आपको पता है इनके जो हस्बैंड हैं बाबा आजमी साहब, हमारे इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमाटोग्राफर हैं, और इनकी परिवार में एक्चुअली बहुत बड़े राइटर हैं हमारे कैफी आजमी साहब, उनकी बहू हैं, और शबाना जी आपकी ननद हैं। हाँ भरे पड़े हैं सर। मैं ये सोचता हूँ जावेद अख्तर साहब इनके ब्रदर इन-लॉ हैं, मुझे लगता है जब आपका फैमिली डिनर होता होगा सब्जियां बनती कि गजलें बनती हैं। कैसा माहौल होता है मैम जब इतने इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे होते हैं? कॉन्ट्ररी टू बिलीव ये होता है कि बहुत ज्यादा मस्करी बातें होती है, शेरो शायरी भी तो होती रहती है, इंटेलेक्चुअल बातें भी होती है, इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते हम लोग। बाबा आजमी साहब ने जो आपको पहली बार देखा था, एक सिनेमाटोग्राफर की खूबसूरती होती है कि वो एक खूबसूरत चीज को और खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने आपको पहले ऐसे लेंस में ही देखा था कि कहीं और मुलाकात हुई थी आपकी? लेंस में से ही देखा था। सीरियसली? हाँ मेरी पहली पिक्चर थी और वो सिनेमाटोग्राफर थे उसमें। अच्छा और बस वही हो गया सब। तो पहली पिक्चर में साइन हो गया।
परेश सर के बारे में भी हमने सुना है, पता नहीं सर आपसे कंफर्म करेंगे कि परेश सर की जो वाइफ है स्वरूप संपत जी, बहुत ही कमाल की अदाकारा है। पहले आपने उनको प्रपोज किया, उसके बाद वो मिस इंडिया बन गई। सर एक बात तो कंफर्म हो गई कि गुजराती दिमाग बड़े कमाल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट में इनका कोई जवाब नहीं। मतलब सर आपको पहले से आइडिया हो गया था कि पहले ही मैं प्रपोज कर देता हूँ, नहीं तो बाद में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। आपको आइडिया लग गया था सर? नहीं जी, बिल्कुल दिल से बात निकली थी, मैंने पूछ लिया था कि करूंगा तो मैं शादी करूंगा, लेट्स ग्रो टुगेदर, वो बात में मैं भरोसा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आदमी मरते दम तक किसी को जान नहीं सकता। ये तो कमाल की बात है। पाजी कृति के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। कृति जब पहली बार आपने आईना देखा होगा जिंदगी में, जिस भी उम्र में, आइडिया तो आपको तभी लग गया होगा कि मैं तो हीरो नहीं बनूंगी, तो फिर पढ़ाई क्यों की थी आपने, क्यों खर्चा इतना करवाया घर वालों का? मैं मम्मा को बोल रही थी मुझे पढ़ना नहीं, एक्चुअली पहला मोटिव ये नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है। अच्छा। जब मैं 14 या 15 साल की थी, लोग पूछते थे बड़े होके क्या करना है बेटा, तो मैं बोलती मुझे शादी करनी है, अभी भी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो स्वीट, सेम हियर। अभी भी वही विचार है कि बदल गए? बदल गए, अक्ल आ गई। ये गलत बात है, जैसे जवानी आई तो अकल भी आ गई।